करेंगे। तीर ने कराची में पतंग और शेर को पिछाड़ दिया है। पीएसए 114 कराची के जिले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी 23,840 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि एमकेएम के कामरान तिजोरी दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 18,106 वोट हासिल किए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, तीर ने मैदान मार लिया है, इसी हवाले से बात करेंगे आजाद नोहरियों से। आजाद बताएगा इस हवाले से। आजाद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, कराची में इस वक्त पीएसए 114 के जिमनी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जी बिल्कुल, जो है गैर सरकारी और गैर हकमी नेताज के मुताबिक तीर ने जो है तमाम पार्टियों को शिकस्त दे दिए, जिसके तहत जो है सेनेटर सईद गनी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने 23,840 वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पे पतंग यानी एमकेएम का उम्मीदवार कामरान तिजोरी आया, 18,106 वोट हासिल किए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नजीब हारून आए हैं जिन्होंने 5,018 वोट हासिल किए हैं, जबकि चौथे नंबर पे जो आए हैं वो मुस्लिम लीग नवाज यानी शेर आया है जिन्होंने 5,353 वोट हासिल किए हैं, जबकि पांचवें नंबर पर जमात इस्लामी जिसके उम्मीदवार ने 1,661 वोट हासिल किए हैं। ये गैर सरकारी गैर हकमी नेताज हैं जो बाबा तौर पर जो है मौसूल हो चुके हैं, जिसके तहत पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सेनेटर सईद गनी कामयाब हो चुके हैं। ठीक है आजाद नोहरियों, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।